जी मिस्टर वाजिद, मैं हूँ मिस्टर वाजिद के साथ, और ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और बड़े पाकिस्तान के मशहूर तरीन राइजिंग शेफ के टैलेंट हैं। इनकी ये गाड़ी है, तो मुझे ये गाड़ी के हालांकि रिव्यू में देता नहीं, लेकिन ये गाड़ी कह ले कि मेरी ड्रीम कार है। मुझे छोटी गाड़ियाँ बड़ी पसंद है, तो मैंने ली, तो इंशाल्लाह यही गाड़ी लूँगा मैं भी इन द फ्यूचर। तो वाजिद भाई, ज़रा बताएं इस गाड़ी के बारे में तो आप थोड़ा सा। जी अस्सलाम वालेकुम, ये डायहाट्सु की 660cc गाड़ी है। अच्छा, और ये मिनी कूपर एडिशन में है, और इसमें इसकी खासियत ये है कि जो जापान या उन साइड पे है वो आपको बॉडी भी चेंज कर सकते हैं। इसमें अच्छा, दो शेप्स आती हैं। अच्छा, इसकी अगर आप कंपनी के पास ले जाएं, उसको कहते हैं कि आपको ये शेप पसंद नहीं, हाँ, तो सारी बॉडी उतरवा के नहीं लगा देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें ये है। और सेकंड थिंग, इसकी जो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप जैसे देख सकते हैं आपकी जो सीट्स हैं, आपकी सीट्स भी गर्म रहती हैं। अगर ज्यादा सर्दी है, यहाँ पर बटन है, इसको दबाया आपकी पूरी सीट गर्म हो जाती है। अच्छा, मतलब सीट वार्मर टाइप। वार्मर टाइप, और ठंडी भी हो जाती है, गर्म भी हो जाती है। अच्छा, ठंडी भी होती है। ठंडी भी होती है, वहाँ से आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। ओके नाइस, वो जो बटन आप देख रहे हैं उससे ये होता है। और इसके बाद इसकी रूफ, यानी बारिश वगैरह हो रही हो तो आप यानी इसका कन्वर्टेबल है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया, पुश स्टार्ट है। ठीक। अच्छा, पुश स्टार्ट है। पुश स्टार्ट है, ठीक। और इसके यार जो एक क्वेश्चन जो होता है ज्यादातर, मतलब जितने गाड़ी वाले हैं उन्हें, कि इसके पार्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इसके क्योंकि बिल्कुल असला पार्ट्स का होता है ज्यादातर, कि पार्ट्स गाड़ी के मिलना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पाकिस्तान से। तो क्योंकि अब जिस तरह देखें कि पहले तो लोग ऑडी नहीं लाते थे पाकिस्तान में, अब तो ले आ गया, अब तो ऑडी का आ गया, ऑफिस आ गया। इसी तरह सिमिलरली एमजी का भी आ गया है। तो डायहाट्सु का, इनकी कंपनी का यहाँ से पार्ट्स मिलना इजी है, ये क्या सीन है, इसके बारे में थोड़ा सा बता सके, मिलते हैं इसके पार्ट्स? जी देखें, ये जिस तरह के डायहाट्सु कंपनी जो है, अभी इसके मेरे ख्याल से सुजुकी वालों के साथ इनका है लिंक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें ये है कि लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं भाई बिलालगंज चले जाओ, इधर वगैरह चले जाओ, हाँ। सस्ते पार्ट लेने के चक्रों में होते हैं। सही, इसके पार्ट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जब गाड़ी आती है ना, हाँ, तो उसके पार्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें ये है कि आप कह रहे हैं कि इजीली मिल जाते हैं, इजीली मिल जाते हैं। ठीक, और इसका अगर हम इंटीरियर जरा देखें तो पूरी स्पोर्टी लुक है। अच्छा, नहीं लेकिन है भी स्पोर्ट्स कार में आती है, ये स्पोर्ट्स कार में आती है। सही, स्टीयरिंग, और ये पुश स्टार्ट है, बटन यहाँ पे लगे हुए, इधर LCD है, और नीचे क्योंकि ऑटो है तो दो पैडल्स हैं, एक क्लच का और एक ब्रेक का और एक एक्सेलरेटर का। ओके, गियर्स इसके ये हैं सारे, आप देख सकते हैं, ऑटो गाड़ी है, और शीशे कंट्रोल इसका इधर है, और ये सीट वार्मर का जिस तरह वाजिद ने कहा, और जो अगर इसको क्या कहते हैं, इसकी छत खोलनी बंद करनी है, उसका बटन कहाँ पे होता है ज़्यादातर? उसका बटन ये है, ये सामने। अच्छा, ये बटन है इसका, ये उसका बटन है। अच्छा अच्छा अच्छा, से आपकी छत जो है खुल भी जाती है, बंद। और इसको स्टार्ट करो, इसको दबाओ तो ये स्टार्ट हो जाती है। ये इसको ब्रेक पे पैर रखना होता है पूरा, ये जिस तरह मैंने ब्रेक पे पैर रखा, ये आप बटन दबा दो। अच्छा, ये स्टार्ट हो गई है। जी, ये स्टार्ट हो गई। अब इसको अगर इसको मैंने बंद करना हो तो दोबारा दबा दो। नहीं, मुझे ब्रेक पे पाँव रखना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ बटन दबा दो। ओके ओके ओके, सही सही। और इसके जरा इंटीरियर तो हमने इसका आपको दिखा दिया, ये यहाँ भी शीशे कंट्रोल है। इसकी जरा मुझे वो दिखा देंगे, बूट स्पेस कितनी है? डिगी, अभी तो इसके अंदर बूट स्पेस इसकी बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें आप 3 लगेज आराम से बड़े वाले रख सकते हैं। अच्छा, इसकी इतनी ज्यादा स्पेस है। अभी अच्छा, इसकी जो छत जो मैंने डाउन की है, तो अच्छा, छत को फिर बंद करना पड़ेगा, वो छत को बंद करके दिखाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ छत को आप बंद ही कर दो, क्योंकि अगर बारिश आ जाए दोबारा। जी जरूर जरूर, मैं आपको इस तरह बूट भी चेक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मौसम का कोई एतबार नहीं, हम अंदर होंगे। ये भी गाड़ी बंद करने लगे, सो नाज़रीन आप देख सकते हैं ऐसे गाड़ी बंद होती है, और गाड़ी बंद होने के बाद इसकी बूट खुलती है। और एक मिनट इधर आइएगा, इसके ये चीजें जो है ना, ये ऐसे बंद होके ये बंद होगी, उसके बाद ये ऐसे हो, ये बंद। अच्छा, ये छत का लॉक होता है एक तरह से, छत का लॉक है ये, छत का लॉक जो है ये भी बंद हो गया। अब जी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, इसका इसका जो डिग्गी है ना, डिग्गी ये देखिए, ये आपने इस तरह खोला, और अच्छा, इसके अंदर ये बटन है। अच्छा, ये आपने अच्छा, बटन दबाया। अच्छा,
डिक्की खोल के। ओके ओके अच्छा, बड़ा शशका है डिक्की खोलने का यार। उसके बाद यहाँ पर आप स्पेस देखिए, इसके अंदर कितना स्पेस है। स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है जी जी। स्पेस वाइज इसकी डिग्गी बहुत बड़ी है, तो इसलिए टू डोर है तो स्पेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, बस इसका एक ड्रॉबैक गाड़ी का ये है कि इसमें सिर्फ दो लोग आ सकते हैं। हाँ, दो लोग आ सकते हैं, वो कपल्स के लिए परफेक्ट गाड़ी है। ठीक हो गया, ठीक तो हो गया। अब इसकी जो डिग्गी भी बंद करते हैं तो इस तरह की है। अच्छा, खुद ही बंद होती है? खुद ही बंद होगी। नाइस। इसकी माइलेज इसकी आप बताएं कितनी है अगर लोग लेना चाहें तो? ये एक लीटर पे जो है ना इन सिटी जो है ये करती है 13 किलोमीटर, और लॉन्ग रूट पे हो तो 16 पे चली जाती है। अच्छा, मतलब फ्यूल कंजम्पशन इसकी अच्छी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, और ये डीजल है या पेट्रोल है? पेट्रोल है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, और सीसी कितने सीसी है? 660 सीसी है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत मिनी गाड़ियों के अंदर ये स्पोर्टेज लुक के अंदर आई है और बहुत अच्छी है। अच्छा, सही सही। चले भाई, थैंक यू सो मच फॉर द रिव्यू, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। ओके ब्रदर।